जिले के जावद में बंधन बैंक से पैसे गायब होने का एक अजीब सा मामला सामने आया है। जावद में संचालित बंधन बैंक से काउंटर से दोपहर 5 लाख रुपए से ज्यादा गायब हो गए। बैंक से पैसे कैसे गायब हुए किसी को पता नहीं। जब गायब रुपयों की जांच पड़ताल बैंक स्टाफ द्वारा की गई तो वह नहीं मिले। बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पूछताछ में बैंक कर्मियों ने बताया कि वह दोपहर में मैनेजर समेत 7 सदस्यीय स्टाफ ने साथ में भोजन किया और पानी पीने के कुछ देर बाद ही सभी बेहोश हो गए। करीब 2 घंटे बाद होश आया तो कैश काउंटर से 5 लाख रुपए गायब मिले। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पूछताछ के बाद इस मामले को संदिग्ध मान रही है। उनका कहना है कि फिल्म स्टाइल में सब कुछ हुआ और घटना के समय सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। वहीं एक पूछताछ में पुलिस को यह भी बात बताई गई कि पानी की टंकी में छिपकली मरने से वह पानी पी लिया जिससे कर्मचारी बेहोश हो गए। प्रारंभिक रूप से अभी जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि यहाँ दिन के समय दोपहर में 5-6 कर्मचारी यहाँ थे जिन्होंने कि शायद खाना खाने के बाद पानी पिया। उस पानी में ऐसा उनका कहना है कि छिपकली होने से वो कुछ बेहोश हो गए और उनकी उस बेहोशी के दौरान यहाँ का जो राशि है करीब 5 लाख रुपए वो गायब हो गई। 5 लोग हैं जो इस प्रकार की बात बता रहे हैं। उस बारे में भी जांच की जा रही है और सारे बिंदुओं को देखा जा रहा है। सर कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति लग रही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं सर, क्योंकि छोटा सा बैंक है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है और अचानक सिर्फ कर्मचारियों की स्थिति और अधिकतर एक कर्मचारी तो नशे की हालत जैसे भी लग रहा है पूरा, तो कहीं ना कहीं सर इन्होंने ही मिलकर कोई सजेशन होना चाहिए। वो सभी बिंदुओं को हम देख रहे हैं, उन सारे बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकते लेकिन पूरी जाँच के बाद स्थिति स्पष्ट है। सर मामला जल्द खुलासा होने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको निकालेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कर्मचारी ही इस मामले में लिप्त हैं? अभी कहा नहीं जा सकता, जाँच के बाद पूरी तरह जाँच के बाद ही, क्योंकि बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है जी। पूरी जाँच के बाद हम इसमें बता पाएंगे।